जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों की नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुला दिया, मेरी भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें हम
से जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से जो प्यार मिला मुझे बाबा मेरा तन है यहाँ मेरा मन है वतन उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग मेरा तन है यहाँ मेरा मन है वतन उड़ता हूँ अब मैं बाबा के संग प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग अब पैर जमी पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से ये दिल जानता है बाबा जो नैनों के नूर से जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के नूर से जो प्यार मिला मुझे बाबा
ओम शांति। हम सभी अपने मन व बुद्धि को एकाग्र करके प्राण प्यारे शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा को अपने सम्मुख इमर्स करेंगे और अनुभव करेंगे कि बाप दादा की शत्रु छाया मेरे ऊपर है। स्वयं बाबा मुझे अनंत शक्तियों का वरदान दे रहे हैं। मैं आत्मा वरदानी मूरत हूँ, स्वयं वरदाता विधाता। बाप ने मुझे चुना है, इस स्वमान को मन में दोहराते हुए महसूस करें कि बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां वरदान के रूप में मुझ आत्मा को दे दी हैं। अब हम सभी भ्रकुटी सिंहासन पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करेंगे। सभी महसूस करें मैं आत्मा स्वराज अधिकारी बन अपनी कर्मेंद्रियों के साथ मीठी मीठी बातें कर रही हूँ। ये तन मुझे बहुत सहयोग देता आया है, इस तन से ही मैं आत्मा संगम युग में ज्ञान योग परमात्म प्यार की पालना विश्व सेवा का कार्य कर रही हूँ। इस तन के द्वारा ही मैं आत्मा अनेक आत्माओं को
सुख शांति दे रही हूँ। हे तन, तुम मुझ आत्मा को इस संगम युग पर बेहद समय दे रहे हो। अपने इस पांच तत्व के शरीर का भी शुक्रिया करती हूँ, जिस तन के द्वारा मुझ आत्मा को इस समय स्वयं को दिव्य बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वाह, मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसा सुंदर मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अब कुछ समय के लिए हम सभी पूर्ण रूप से इस देह से उपराम होकर परम धाम में बीज रूप अवस्था में स्वयं को स्थित करेंगे। सभी मन मनाभव हो जाएं, बीज रूप निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा के लव में लीन हो जाए। सर्वशक्तिमान बाबा सुख के सागर, शांति के सागर शिव बाबा के साथ का अनुभव करें। परमात्म शक्ति की अनंत किरणों को स्वयं में समाते जाएं और महसूस करें, मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। स्वयं को देखें, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा पूर्ण रूप से वेदाग हीरा बन रही हूँ। अब
परम धाम से फिर वापस स्वयं को अपने साकार शरीर में प्रवेश करें। भ्रिकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएं। और अपने अंतर मन से अनुभव करें कि मुझ आत्मा के मस्तक से अनंत शक्तियों की किरणें निकल कर मेरे चारों तरफ एक सफेद प्रकाश का ओरा बना रहे हैं। यह प्रकाश का ओरा बहुत ही शक्तिशाली तेजस्वी है। जिस पे कोई भी निगेटिव वाइब्रेशन वार नहीं कर सकता। मुझ आत्मा को कितना लाइट माइंड का अनुभव हो रहा है। अब मन ही मन इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मैं आत्मा किसी भी परिस्थिति में बीमारी में अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। अपने कर्मों की जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। और महसूस करें मेरे जीवन से सभी उलहने समाप्त हो गए हैं। अब अपने सामने बाप दादा को इमर्स करते हुए देखेंगे कि बाप का साथ व हाथ मेरे मस्तक पर है। अनुभव करें मैं आत्मा
मन बुद्धि से पूर्ण रूप से हल्की हो गई हूँ। बाबा, मुझ आत्मा पर सफेद पवित्रता की शक्तिशाली किरणें बिखेर रहे हैं। और देखें कि यह सफेद चमकीली किरणें धीरे धीरे मेरे पैरों तक प्रवाहित हो रही हैं और यह मेरा शरीर बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, शांत बनता जा रहा है। सभी महसूस करें कि इस साकार तन से सभी प्रकार की तकलीफ, दर्द, कष्ट सब समाप्त होते जा रहे हैं। स्वयं को देखें सफेद चमकीली प्रकाश की किरणें मेरे मस्तक से प्रवेश हो रही है। और मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन शुद्ध बना रही है। यह सफेद चमकीली किरणें धीरे धीरे मस्तक से पांव के नीचे तक प्रवाहित हो रही हैं। मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय क्रिस्टल के समान स्वच्छ बन गया है। मैं आत्मा बहुत गहरे सुख का, आनंद का अनुभव कर रही हूँ। बुद्धि का योग एक शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। बाबा से अनंत शक्तियों का प्रवाह मुझ में प्रवेश कर पूरे शरीर में जो विशेष
तकलीफ है, उस तकलीफ से मुक्त होने के लक्ष्य से ये शक्तियां बहुत कार्यरत हो रही हैं। महसूस करें शरीर में जहां आवश्यक है उस भाग में परमात्म शक्ति केंद्रित हो रही है। मुझ आत्मा की शारीरिक तकलीफ ठीक होती जा रही है। अब हम सभी बाबा के साथ का अनुभव करते हुए गहरे सुख आनंद शांति का अनुभव करें कि मेरे जीवन में आशा जागृत हो रही है। इस जीवन में उमंग उत्साह भी जागृत हो रहा है। यह मेरा तन फिर से बेहद सेवा के लिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनुकूल बनता जा रहा है। अब स्वयं को फिर से बुद्धि रूपी विमान द्वारा परम धाम शांति धाम ले चले। सुख के सागर बाप दादा की सुख की किरणों में समा जाए और मन मनाभव हो जाए। खो जाए उस प्रभु प्यार में, जिस प्यार के लिए यह पूरा विश्व भटक रहा है। परमात्म प्यार से भरपूर हो, फिर धीरे धीरे परमधाम से लौट आई साकार दुनिया की ओर। अपने साकार तन के नजदीक
इस साकार तन में प्रवेश हो जाए, स्थित हो जाए भ्रकुटी सिंहासन पर और महसूस करें संपूर्ण शरीर शक्तिशाली बन गया है। अब बाप दादा को अपने सामने इमर्स करके बाबा से बातें करें कि बाबा मेरे शरीर को निरोगी बना दो, मैं आत्मा बाप दादा को नमन कर रही हूँ, शुक्रिया कर रही हूँ। स्वयं को कर्म योगी अवस्था में स्थित करें और महसूस करें मुझ आत्मा के चारों ओर का वातावरण बहुत शांत आनंदमय हो गया है। वाह मेरे बाबा, आपका कितना शुक्रिया करूं मैं जो आपने इस संगम युग में मुझ आत्मा को नव जीवन दिया है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।
गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं, साधना के द्वार तक आए बिना सीधी नहीं, हो फिदा परवान तो, हो फिदा परवान तो, महफिल में आए शिव समा, गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से, शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे, ये जमीन और आसमां, गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। चांदनी राहों में बिखरी अपनी पलकों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, सारे पर्दों को हटा, हो फिदा परवान तो, महफिल में आए शिव समा, गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा।